हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे शर्मा निटिंग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत प्यारा सा डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये देखिए, ये 8 लाइन में बनके तैयार होता है। इसमें मैंने 32 फंदे डाल रखे हैं इस समय, थोड़ा सा डिज़ाइन बताने की वजह से। और इसे आप ये देखिए, बहुत प्यारा डिज़ाइन है। किसी प्रोजेक्ट में अप्लाई कीजिए और बहुत जल्दी बनके तैयार होता है, क्योंकि 2 में तो डिज़ाइन है और 2 जो 4 सलाइयाँ हैं वो बिल्कुल प्लेन है, इसलिए जल्दी बुना जाता है। सीधी साइड से सीधी हैं, उल्टी साइड से उल्टी हैं। चलिए अब डिज़ाइन शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए डिज़ाइन शुरू करते हैं। ये देखिए, पहली सिलाई मैंने इधर से यहाँ तक सीधी बुनी, जो बिल्कुल प्लेन देखिए आपको दिख ही रहा है, बिल्कुल यहाँ इतना हिस्सा बिल्कुल प्लेन है। सीधी सिलाई एक बुनी, फिर एक उल्टी सिलाई बुनी, जैसा उल्टा बुनते हैं। ये देखिए पीछे की साइड बिल्कुल प्लेन, 2 सिलाइयाँ हो गई। तीसरी सिलाई में फिर से सीधी बना रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल प्लेन, जैसे प्लेन बनाते हैं। ये तीसरी सिलाई है, तभी तो ये डिज़ाइन जल्दी बनता है, क्योंकि इसमें 2-3 सिलाइयाँ बिल्कुल प्लेन हैं। अब आई चौथी सिलाई। चौथी सिलाई में क्या करना है, उल्टी साइड है, चौथी सिलाई है। तो अब इसे हमें इधर से, यहाँ से पैटर्न शुरू हो रहा है। ये देखिए चौथी सिलाई हमें पूरी सीधी बुननी है। ये देखिए साइड उल्टी है, सिलाई चौथी है, और बुनना है इसे सीधा। ये देखिए, ताकि हमें इधर गांठ वाले फ्रंट साइड में हमें ऐसे गांठ वाले फंदे मिल लें। इसी तरह से हमें चौथी सिलाई भी कंप्लीट करनी है। अब देखिए पांचवी लाइन शुरू। पहला फंदा, चाहे आप इसे बुने उतारें, जो मर्जी आपकी वो करें। इसके बाद एक फंदे को ऐसे आगे को ऊन करके जाली बनाते हुए एक बन गया, फिर ऊन आगे करना है, फिर जाली बनाते हुए सीधा बुनना है 2, फिर 3। 3 फंदे हमने सीधे बुन लिए जाली बनाते हुए, 2 जालियां बन गई और 3 फंदे बुन लिए, 5 फंदे यहाँ हो गए हमारे। अब 5 फंदों को हमें ऐसे करके करना है, एक एक बार एक फंदे में 2 बार ऐसे लपेटना है, 2, 3, 4, 5 हो गया। 5 फंदे हमने ऐसे लपेटे, फिर एक फंदा पहले सीधा बुनना है, फिर ऊन आगे लानी है और जाली बनाते हुए हमें 2, फिर आगे ऊन लानी है जाली बनाते हुए 3, 4, 5। ये देखिए, ये तो हमने 2 बार लपेटा हुआ हो गया यहाँ तक 5 फंदे। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फंदे हो गए। 9 फंदों में ये देखिए, पहला फंदा हमने बुना, फिर ये जाली है, फिर पहला दूसरा बुना, फिर जाली है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छः फंदे हमने बुने हैं, जिसमें जाली डाली है 4। उसके बाद फिर 5 फंदों को हमें वैसे करना है। ये देखिए 5 फंदे, 1, 2 बार लपेटा, 1 फंदा, 2 फंदे, 3, 4, 5 5 फंदे हमें ऐसे करने हैं। फिर वही रिपीट करना है, ऊन आगे लानी है, 2 ऊन आगे, 3 ऊन आगे, 4 ऊन आगे, 5 फंदे फिर हो गए, 5 के और 4 जाली के 9 फंदे हो गए। फिर वही करना है, ये एक बार लपेटा, 2 बार लपेटा, 1, 2, 3, 4, 5 5 फंदे फिर वैसे ही हमने लपेटे, और फिर एक फंदा बुना, एक जाली, फिर आगे करके एक जाली। इस तरह से हमें पांचवी लाइन क्लियर करनी है, पूरी तैयार करनी है। अब आई छठी लाइन और उल्टी साइड। ठीक है, इसमें क्या करना है, ये देखिए इन सारे फंदों को जो हमने अभी बुने हैं, सारे फंदों को हमें एक एक करके ऐसे ही उल्टा बुनना है, जो हमने जाली से बनाए फंदे वो भी। अब लेकिन अब ये 5 फंदे हमने बुन दिए, इसके बाद जो लपेटे हुए फंदे, इन 5ों को हम एक ऐसे ही खोल लेंगे, 2, 3, 4, 5 इन्हें बुनना नहीं है। इसी सिलाई पे 5ों फंदों को छोड़ के आगे के फंदों को हमें ऐसे ही उल्टा बुनना है, क्योंकि उल्टी सिलाई है, छठी सिलाई है ये,
इसे ऐसे ही उल्टे बुनना है, 9 फंदे हमें बुनने हैं ये उल्टे, और बाकी 5 फंदों को हम ऐसे ही खोल के, जो हमने लपेटा था 2 बार उसे ऐसे ही खोल के छोड़ देना है अपनी सिलाई पे, अभी नहीं बुनना है उसे। और 9 फंदे हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, फिर 5 फंदे ऐसे खोल के हमें पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब आई सातवीं सिलाई। सातवीं सिलाई में क्या करना है ये देखिए, इन फंदों को हम ऐसे बुनेंगे, सबको सीधी साइड है फिर भी हम इन फंदों को उल्टा बुनेंगे, ऐसे जैसे हमने ये गांठ वाले बनाए हैं वैसे ही हमें इसे बनाना है। ये देखिए, लेकिन उन पीछे करके ये जो 5 फंदे हैं जो हमने लपेटे थे इन्हें हम बगैर बुना ही फिर ऐसे ही उतार लेंगे, फिर उन आगे लानी है और ये 9 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उन पीछे ले जानी है, 5 फंदे जो हमने अभी उल्टी सिलाई में भी बगैर बुने उतारे हैं और इसमें भी हम ऐसे ही बगैर बुने उतारेंगे, बुनना नहीं है हमें, 5 फंदों को ऐसे स्लिप कर लेना है दूसरी सिलाई में, और 9 फंदे हमें ये बुनने हैं उल्टे, जबकि सिलाई सीधी है साइड सीधी है लेकिन हमें बुनने फंदे उल्टे हैं। फिर पीछे ले जाएंगे उन 5 फंदों को हम दूसरी सिलाई में ऐसे चढ़ाएंगे और फिर आगे के फंदों को उल्टा बुनेंगे। इस तरह से हमने ये लाइन भी कंप्लीट करनी है। अब आई 8th रो, 8वीं लाइन, ये फाइनल लाइन है। इसमें देखिए, ये देखिए, इसे इसमें सारे फंदे हमें उल्टे बुनने हैं, ये देखिए, और ये जो 5 फंदे हैं इन 5 फंदों का ऐसे करके एक फंदा बनाना है उल्टा, ये देखिए बन गया, और बाकी फंदे भी उल्टे। ये फाइनल लाइन है, इसका गौर से देखना, ये लास्ट है इस डिजाइन की, ये हो गए। इसके बाद जो 5 फंदे थे जो अब तक हमने 2 सिलाइयों में बगैर बुने उतारे थे इन्हें हम 5ों का एक कर देंगे। ये उल्टी साइड है और सारी सिलाई हमें उल्टी ही बुननी है, इस लास्ट वाली सिलाई में कोई फंदा हमें सीधा नहीं बुनना है। ये लास्ट सिलाई है और उल्टी सिलाई है, ये देखिए 5 का 1 बनाना है, ये देखिए। इससे हमारे सारे फंदे जितने हमने डाले थे उतने ही फंदे हैं, क्योंकि हमने जो हम जाली से बढ़ाए थे वो वहाँ यहाँ पर आकर 5 का 1 होकर 1 बराबर हो गए। ये देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन लग रहा है, ये बहुत प्यारा लगता है, ये देखिए बहुत सुंदर डिज़ाइन है। ऐसे ही आप 8 लाइनों को बार बार दोहराते रहिए, ये बहुत प्यारा बन के तैयार होगा। ये देखिए जो कितना सुंदर लग रहा है डिज़ाइन, इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं और जल्दी बुनने वाला है, क्योंकि 3 सिलाइयाँ तो हमने बहुत जल्दी जल्दी बनाई हैं, 4 सिलाइयाँ ये इसमें कोई डिज़ाइन नहीं है इसलिए बहुत जल्दी बढ़ती हैं, और 4 सिलाइयों में डिजाइन है, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।